नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जो मॉडर्न साइंस हम लोग आज पढ़ रहे हैं, क्या वो सच में मॉडर्न है? क्या हम वही नहीं पढ़ रहे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्या हम वही नहीं पढ़ रहे जिसे हम हजारों साल से प्रैक्टिकल यूज़ में ले रहे हैं? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावंडिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। मॉडर्न कंट्रीज़ की बात करें तो आज अमेरिका, रशिया, यहाँ तक कि चीन का भी नाम आता है। बात चाहे टेक्नोलॉजी की हो या लाइफस्टाइल की, यही देश मॉडर्न कंट्रीज़ कहलाते हैं। भारत की कोई खास रैंक नहीं आती, किसी जगह फोर्थ फिफ्थ रैंक आ जाती है और कई बार उसकी रैंक 100 से भी ऊपर चली जाती है। और बहुत टॉप की रैंक किसी में है तो वो जनसंख्या में है। मगर जो बात इम्पोर्टेंट है वो यह है, हमारे देश के शास्त्र और हमारा कल्चर बहुत पुराना है और इन शास्त्रों में इतना दम है कि वो आज की साइंस को चैलेंज कर सकती है। इन शास्त्रों में बहुत से वैज्ञानिक तथ्य हैं और कई बातें तो ऐसी लिखी है जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं सकता। आज हम बात करेंगे शास्त्रों में लिखी वो बातें जिसे विज्ञान भी पूरी तरह मानती है। हमारी भारतीय सभ्यता में और हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं 108 यह अंक ज़रूर सुनने को मिलता है। जैसे कि हमारे भारतीय सभ्यता में हम जो माला पहनते हैं उसमें 108 बीट्स होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, चाइनीज़ कल्चर में और बुद्धिज़्म में भी आपको यह देखने को मिल जाएगा। हालांकि सच तो यह है कि यह कल्चर भी भारत से ही निकला हुआ है। सोचने वाली बात तो यह है कि यह 108 अंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्राचीन काल से ही हम हमारे ह्यूमन सिस्टम और सोलर सिस्टम के प्रति काफ़ी जागरूक रहे हैं। बात चाहे इंद्रियों की हो, नक्षत्रों की या फिर नवग्रहों की, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इसके बारे में लिखा गया है। हमारी यही जागरूकता हमें ले चलती है ज्योमेट्री की तरफ। अगर ज्योमेट्री को हम बहुत ध्यान से देखें तो 108 एक बहुत महत्वपूर्ण अंक हो जाता है। अब अगर बात करें सूर्य और पृथ्वी की, तो हमारे सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से धरती के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब देखने वाली चीज़ यह है कि अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो वह अंक मिलता है 108, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी को अगर 108 बार लाइन से रखा जाए तो वह सूर्य तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा और धरती की बात करें तो चंद्रमा का डायमीटर होता है 3,474 किलोमीटर और हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, जो कि बदलती रहती है, उसे अप्रोक्स 3,76,000 किलोमीटर माना गया है। और अगर फिर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर भी 108 आता है, यानी कि 108 चंद्रमा को अगर जोड़ा जाए तो वही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी होगी। दोस्तों, यह 108 नंबर कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हजारों वर्ष पहले इस 108 की वैल्यू हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। चंद्रमा का डायमीटर, सूर्य का डायमीटर, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, यह पिछले कुछ सालों में ही वैज्ञानिकों ने खोज कर निकाला है, परंतु हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले से यह लिखा गया है। इसी के सम्मान हम एक और बात आपके सामने रखते हैं। बात करते हैं विष्णु भगवान के वराह अवतार के बारे में। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि यह विष्णु भगवान का वराह अवतार है और यह हम जानते हैं कि वराह अवतार ने पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। हालांकि इसका कोई इम्प्लाइड मीनिंग भी हो सकता है, हो सकता है कि इस बात का कोई और अर्थ हो जो कि संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट होने पे कहीं गायब हो गया। परंतु जो गौर करने वाली बात है वो यह है कि यह पृथ्वी का आकार गोल है और हम लोग यह जानते हैं कि पहले पृथ्वी को फ्लैट समझा जाता था, परंतु हमारे भारत में पृथ्वी को बहुत पहले से ही गोल समझा जाता है। वराह अवतार की बहुत सी पुरानी मूर्तियाँ हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, जिसमें पृथ्वी गोल नज़र आती है। वहीं अगर ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहा जाता है, जिसमें भू का अर्थ है ज़मीन और गोल का अर्थ है उसका आकार, जो कि गोल है। अगर पृथ्वी को हम गोल नहीं समझते तो हम उसे भूगोल नहीं कहते। इसी के समान एक और तथ्य पर नज़र डालते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मरणोपरांत व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक वह अस्थियाँ गंगा में रहेगी तब तक उस व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में वास करेगी। अगर इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी हड्डियों में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब इन हड्डियों की राख गंगा में बहाई जाती है तब गंगा के पानी में फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और जब जब यह पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है तब फसलों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस मिलता है। और यह हम सभी जानते हैं कि किसी फसल की ग्रोथ में फॉस्फोरस का कितना बड़ा हाथ होता है। तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से गंगा में अस्थियों का बहाना एक बहुत ही फायदेमंद कार्य है। दोस्तों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिसे पता चलता है कि भारत एक बहुत ही बड़ी संस्कृति है जिसका विज्ञान बहुत आधुनिक है। ये तो पिछले कुछ सालों से हमारी संस्कृति को बहुत नीचा दिखाया गया है, इसे पिछड़ा हुआ कहते हैं। इस संस्कृति की जड़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, जिसके कारण हमें हमारी ही संस्कृति समझ नहीं आती और ना ही पसंद आती है और हमारी संस्कृति से हमारा विश्वास उठ गया है। यह ज़्यादा हमें वेस्टर्न कल्चर पसंद आने लगा है
और उन्हें कॉपी करने लगे हैं। वेस्टर्न कल्चर को मानना बुरा नहीं है, परंतु अपनी संस्कृति को पूरी तरह भूल जाना गलत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।